मॉर्निंग पीपल, एंड आज है 18th ऑफ जुलाई, एंड आज मैं जा रही हूँ स्टेशन पे। आज मैंने सोचा मैं आज काम पे नहीं जाऊँगी, बट मैं आज स्टेशन पे जाऊँगी क्योंकि आज अनघा आ रही है तो उसको भी पिकअप करेंगे। यस, शी इवन जॉइंड एंड आई एम सो हैप्पी क्योंकि हम लोग साथ में रहेंगे एंड मज़ा आएगा। फिलहाल मैं जाती हूँ, रेडी होती हूँ क्योंकि उसकी ट्रेन अभी पहुँची है कन्नूर में, और कन्नूर से यहाँ पे डिस्टेंस है अराउंड 1 आवर का, और हम लोग को एग्जैक्ट वहीं पे उतना ही टाइम लगेगा पहुँचने के लिए। तो जल्दी जल्दी निकलते हैं इससे पहले कि वो ट्रेन से उतर के वेट करें, हम लोग पहले पहुँचते हैं। और ये है मेरा OOTD प्रूफ। Who's with me today? Anagha is come to Kerala. And Kapoor sir and Clint sir of course. We are having breakfast. उसके बाद हम लोग accommodation जाएंगे and फिर rest करेंगे और उसके बाद मिलेंगे। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये Paragon place है और दमी चाय आ गई है, उधर उसका खाना हो रहा है। एंड यही प्लेस पे राहुल गांधी भी आके खा चुका है एंड इनका ब्रांच आई थिंक लुलू मॉल में भी है। सो गुड प्लेस फॉर फूड एंड ऑल, तो ये भी अच्छा है। मालाबार क्रिश्चियन कॉलेज ये बहुत फेमस है यहाँ पे कैलीकट में। अनघा इज हियर, अब तो डबल मजा आने वाला है। लोग लोग एकदम कड़क बनने वाले हैं हमारे, मजा आने वाला है। और कल शायद हम लोग शायद से कल हम तिरू शिफ्ट हो नए अकोमोडेशन में। सो लेट्स सी वहाँ पे क्या है कहाँ। अभी इवन आई हैव टू पैक माई बैग्स क्योंकि मेरे बैग पूरे खुले हुए फैले हुए, अभी मुझे भी पैक करके रेडी रखने, अपने सामान भी वॉशरूम से निकाल के सब अंदर रखने, किचन में जो मैंने फैला के रखे वो सब मुझे सेट करने आज के दिन में। और आज का दिन इतना हेक्टिक है, मतलब मैं कल से सोई नहीं हूँ। कल भी मैं ट्रैवल कर रही थी, आज भी मैं ट्रैवल कर रही हूँ और कल भी मैं ट्रैवल करूंगी, तो 3 दिन मेरे सिर्फ ट्रैवलिंग में निकल रहे। लिटरली नो स्लीप नो रेस्ट। तो यहाँ पे हमारे लिए बिरयानी वगैरह ऑर्डर कर रखी है। तो सिंस हम लोग कल से ट्रैवल ही कर रहे हैं तो मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं घर पे आके पकाऊँ करूँ। तो अभी सर ने हम लोग के लिए बिरयानी ऑर्डर किया एंड वी आर वेरी टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड। तो हम लोग को अकोमोडेशन में अनघा को ड्रॉप किया एंड फिर उसके बाद हम लोग अभी बिरयानी खाएंगे, थोड़ा रेस्ट लेंगे, फिर हम लोग को ऑफिस जाना है क्योंकि मीटिंग है। उसके बाद हमारी शिफ्टिंग तिरूर में होगी क्योंकि हमारे वो स्कूल के बिल्कुल नज़दीक में है। तो यस, तो अभी जल्दी से खाते हैं। एंड अंकल की बिरयानी जैसे कि मैंने कल भी खाई थी, अंकल ने ला के दी थी, बट आज ऑर्डर करिए सर ने उनके पास से क्योंकि उनकी बिरयानी टेस्टी होती है और उनका रेस्टोरेंट खुद का है, तो दैट्स वन ऑफ द गुड थिंग। तो वहाँ से हम लोग को नज़दीक में मिल गया एंड हम लोग को बिरयानी ऑर्डर हो गई, तो ये एक चीज़ अच्छी हुई है, पकाने का टेंशन चला गया। तो यहाँ पे बिरयानी एंड इसको प्लेट में डाल के खा लेंगे। एंड अभी ट्राईपॉड थोड़ा सा नीचे तो एडजस्ट कर लेना गाइस, क्योंकि मैं खुद भी एडजस्ट कर रही हूँ। और वैसे ही आज मुझे मेरे बैग पैक करना होगा तो ट्राईपॉड वगैरह सब वापस अंदर चला जाएगा, तो 2-3 दिन शायद व्लॉग ना आए। वंस उधर जाके मैं थोड़ा बैग खोल के सेटल हो जाऊँ फिर व्लॉग आगे के आएंगे। वो ये तो बिरयानी अच्छी क्वान्टिटी में है यार, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में, भूख भी लग रही थी। सीधा मसाला इनसाइड एंड अपनी अनघा तेरा फोन फिर बज रहा है, इधर आ, उधर नहीं आएगी, इधर आना पड़ेगा। इसका फोन हमेशा बजता रहता है, सुबह से आई है तब से फोन ही बज रहा है। एंड ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स भी कंसर्न होंगे क्योंकि जब मैं भी आई थी तो ऑब्वियसली मेरे भी पेरेंट्स कंसर्न थे। तो बेबी यस, कौन थे? गोल्डी, आवाज से पहचानी मैं उसको, गोल्डी है। एंड सी द चिकन पीस, ओ माय गॉड, चक्के देखते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ खाना खाने के लिए। इसके साथ ग्रेवी वगैरह आई है पर वो मैं थोड़ी देर से खोती हूँ। ग्रेवी है, चटनी है, सैलेड है, ग्रेवी सैलड एंड चटनी, तो ये चीज़ें भी आई हुई है। बट फिलहाल भूख इतनी लग रही है मुझे, और मेरा ऐसे कि मैं भूख में ना मेरा दिमाग सुन हो जाता है, तो भूख बर्दाश्त नहीं होती। तो बिरयानी खाई, बिरयानी खाई, सही है।
आई टोल्ड यू बिरयानी सुपर मजा आने वाला है इसको खाने वाने। नहीं नहीं पार्सल करा है सर ने हम लोग को, क्योंकि हम लोग अराउंड 1:30 कुछ पहुंचे ना, तो हम लोग को ऑलरेडी शिफ्ट किया। हाँ शिफ्ट है उसको, उसका शिफ्टिंग अभी हुआ है, मैं तो यहाँ पे पहले से रह रही हूँ, बट मैंने खाना अच्छा, नहीं पकाई अच्छा, थी अच्छा। ना सुबह से हम लोग उसका वेट कर रहे थे, और मैं इसको लेने के लिए गई हुई थी सुबह से। हाँ सुबह मैं इसको लाने गई थी। तो प्रॉन पिकल भी है, ध्यान से देख, खजूर का भी है, लहसुन का भी है। वो देख स्नेहा आ गई। स्नेहा और हमारा आज आखिरी दिन है। ये अनग है एंड शी स्नेहा। The next day. Hey guys, and आज है 19th of July. I know मेरी energy से लग रहा होगा कि यार आज इसके अंदर energy कहाँ से आ रही है, but energy इकट्ठा करने पड़ रही है क्योंकि हम जा रहे हैं यहाँ से तिरूर, तमाशिरी से तिरूर, जो कि है around 2.5 hours का road, and हमारा school basically वहीं पे appoint किया गया है हमें, तो we are going to meet the principal and see the school, and आज accommodation देखेंगे हम लोग वहाँ पे। परसों रेचल का देखे, वहाँ से आए बहुत थक गए, फिर दूसरे दिन अनघा को पिकअप करने वहीं में गई, तो वहाँ पे मैं थक गई, तो मेरे दो चार दिन से नींद नहीं हुई है, हुई थी इसीलिए मैंने व्लॉग को आधा छोड़ दिया था बीच में कल, तो आज कंटिन्यू करेंगे फ्रेश सुबह फ्रेश कुछ, क्योंकि मैं सो के उठी हूँ। राइट नाउ वी आर इन द बस एंड अभी हम लोग जा रहे हैं ऑफिस के पास से शॉपिंग, वहाँ से सर्व इंटू मेकअप एंड having appam and chicken gravy with that, और चने की भी ग्रेवी है इसमें सर, so this is one of the best combination, और इसका taste बहुत अच्छा है because ये coconut oil में बना है यहाँ पे। To the school that is MES Central School, which is in Tirur. So right now Anika is with me and we are in MES School, जिस स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं उसकी कैंटीन में, क्योंकि उसके बाद लंच ब्रेक, उसके बाद लंच ब्रेक हो जाएगा and teachers are good here. आज हमारा first day है and we are just exploring things. और फिलहाल I think बिरयानी है ये, no hand. So this is the biryani we got in the canteen and canteen का food try करके बताएंगे कैसा है. And one I ordered. For me, I have ordered mandi, तो मंदी ट्राई करके भी देखेंगे स्कूल का, जो एक्चुअल लोकल हैंडमेड होता है, रेस्टोरेंट का छोड़ो, आई लाइक द अदर नॉर्मल हर घर पे बनने वाला चीज़, हियर इज द मंदी, ओके दिस इज मंदी नो मंदी बिरयानी, दिस इज मंदी, थैंक यू। सो ये मंदी है और ये जो है ये बिरयानी है, तो हम लोग चले ली खाते हैं, उसके बाद फिर लेट हो जाएगा ना, तो हम लोग फिर स्कूल पीरियड मिस नहीं कर सकते, वी हैव टू बी प्रोफेशनल एज वेल, व्लॉगिंग अलग है प्रोफेशन अलग है। तो ये बिरयानी आने का ट्राई करिए एंड शी इज गोना लेट मी नो हाउ इट इज, यस ईट फर्स्ट एंड दिस इज द मंदी मीन बाइल हियर, तो यू कैन सी चिकन होता है एंड ये सादा सिंपल राइस होता है, नो मसाला नथिंग मच, इट्स गुड स्पाइसी है। तो चलो मैं ट्राई करके बताती हूँ कैसा है एंड बैकग्राउंड शोर आएगा क्योंकि मैं माइक नहीं लगा रही हूँ, जस्ट फोन से ही शॉट ले लूँ, और अंधेरा होगा तो प्लीज़ एडजस्ट दैट, क्योंकि हम स्कूल में व्लॉगिंग तो नहीं कर सकते ज़्यादा एंड इट्स गुड कभी तो बिरयानी। So I'm trying biryani now. Let's see biryani kaisa hai. Biryani is much better. So biryani is also good. And milte hain aapko thodi der mein, kyunki hamare paas sirf 10 minute hai. 10 minute ke baad we have to observe the students and all. To uski wajah se thoda busy hai, sham ko milte hain. The school that we are going to teach from Monday, Monday as in 28 July se hum log start karenge, hopefully we do well and let's go now. Abhi abhi to jaane ka time ho gaya hai, to abhi hum nikal rahe hain yahan se and later we'll see. And ye lower primary section hai, that is a mid primary section and higher secondary as well, it's a very good school and acha hai,
अब मंडे से एक्सपीरियंस करेंगे. वी गोना टीच फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस स्कूल, सो आई एम एक्साइटेड. लेट्स सी हाउ इट गोज. अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं अकोमोडेशन देखते हैं आसपास, क्योंकि हमारा अकोमोडेशन इज मेन. नहीं तो हम लोग को ट्रैवलिंग टू आवर्स करना मुश्किल हो जाएगा. और पॉसिबल ही नहीं है 2 आवर्स, क्योंकि 8:20 स्कूल स्टार्ट होगा. सो हैव टू बी देयर. सो दिस इज पेरीपू वड़ा. मुझे तो ये मूंग दाल लग रहा है. आई ब्रेक इट. हाँ, जस्ट ब्रेक एंड शो मी. अनघा विल डू दैट फॉर मी. साड़ी मैं इसको ट्राई करके बताऊंगी एंड कैसे. आई डोंट नो. ओके, क्रिस्पी. इट्स गुड. चटनी के साथ ट्राई करते हैं. चटनी इज गुड. चटनी इज गुड. मुझे फिर से खांसी होगी. सो टमाटो ज्यादा फ्लेवर है इसमें. टमाटो का देयर इज अ फ्लेवर ऑफ ग्रीन चिली. टमाटो ग्रीन चिली. It's nice. Must try. What is it called again? Peripu vada. Go for it. Moong dal ka hai pura. I was sure it was. So, ye Malayalam mein likha hai. Iska matlab hai tea shop of Nawaz. Now, when I say Malayalam, that doesn't mean that I know. Sir is helping me here. Now we are at Tirur and you can see this is a Red Sea restaurant. And yahan se if you walk down, you will see a sea. Oh my god. I'm kind of shocked right now because yahan pe beach hai. And right near my accommodation. So right near my accommodation, idhar ek beach hai. I'll just show you guys. I'll take out time and I'll come here और यहाँ पे अच्छा time spend करूँगी. That's for sure. Place is in Kadal. अकोमोडेशन हमारा पहुंच गए हैं एंड वहाँ पे तानी पार्टनर रेडी हो रही है. एंड अभी हम लोग कुछ खाने चलते हैं क्योंकि यार भूख लग रही है और थक गए सुबह से ट्रैवलिंग कर के. सुबह लिटरली 7 बजे से हम गए स्कूल, गए अकोमोडेशन देखे, फिर थोड़ा बीच दिख गया तो बीच का वीडियो निकाल लिया. एंड बस ऐसे ही चलता जा रहा है दिन. तो अभी जाके कुछ खाते हैं. आसपास में ही एक शॉप है जहाँ पे चिकन फ्राई एंड परोठा कुछ ऐसे खा लेंगे हल्का फुल्का एंड फिर आके सो जाएंगे, क्योंकि कल सुबह हमको फिर से MBA स्कूल जाना है जो कि कायदा पोल पे. तो सुबह 7 बजे अगेन हमको उठना पड़ेगा, 8 बजे तक निकलना पड़ेगा, 5 बजे पहुँचेंगे घर. तो फुल डे हैक्टिक होने वाला है. तो आज मैं ब्लॉग को जल्दी एंड कर दूँगी. तो फाइनली हम लोग खाने के लिए आ गए हैं और इस रेस्टोरेंट का नाम मैं फिर भूल गई. मुझे याद नहीं आ रहा है क्या रेस्टोरेंट का नाम है, बट इट्स रेस्टोरेंट नहीं है, इट्स अ होटल, स्मॉल होटल. मुझे अभी याद नहीं आ रहा है. व्हाट्स द नेम ऑफ द होटल? एमके वेजिटेबल्स. एमके वेजिटेबल्स जो तमाशेरी में है. इट्स ग्रेवी.
सेकंड स्टार्ट नहीं हो। और यहाँ स्नेहा आते हुए हमारा ऑर्डर भी आ चुका है। यहाँ पे मेरा पराठा है, यहाँ पे बीफ फ्राई है, ग्रेवी है, वहाँ पे आना है चिकन है और अपना पराठा है। अगेन दिस इज चिकन 65। मेरे लिए चपाती का वेट एंड दिस इज ग्रेवी, इसके साथ हम मिक्सर खाते हैं। बट सी दिस, या सीरियसली मुझे वेट नहीं हो रहा है। तेमुगो तेमुगो तेतुंगल पराठन। फर्स्ट ट्राई द चिकन, ऐसे ही रुका खा के देख किसे देख रही है। देख दिस ग्रेवी आल्सो यू टेक सो दैट ड्राई जातले आणि वेट वेट जातले। वेरी गुड, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन, वेरी गुड, टॉप करेगी तू। IELTS में डालेंगे हम लोग। मेरी बारी आती है, अब बता दो, चलता रहता है खाने का। ये तो इसका मैंने रिव्यू दे दिया है, इट्स नाइस। यू वांट केक? अब खा के मिलते हैं थोड़ी देर बाद।